नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। रुक करेंगे खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे के दूसरे दिन रविवार को गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी फील्ड में पहुंचे हैं। पीएम ने 11,600 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम ने यहां विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। पीएम ने जनता से कहा कि जिन परियोजनाओं की आज उन्होंने नींव रखी है, उनसे आने वाले समय में काफी कुछ रोजगार बढ़ जाएगा। साथियों, इस बजट में एक और बहुत बड़ी योजना की घोषणा हुई है। बीते 10 वर्षों में हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। अब हम बिजली का बिल आसाम के भाइयों बहनों और देशवासी भी, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम आपके सामने रख रहा हूं। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां है। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा, ये उसकी साक्षी है। हमने देखा है कि एक समय में जो सभ्यताएं बहुत समृद्ध हुआ करती थी, आज उनके खंडहर ही बचे हैं। आप भी जानते हैं कि 10 साल पहले असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति थी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में रेल यात्रा और हवाई यात्रा बहुत ही सीमित थी, सड़कें संकरी भी थी और खराब भी थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना तो छोड़िए, एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने में भी कई कई घंटे लग जाते थे। इन सारी परिस्थितियों को आज भाजपा की डबल इंजन सरकार ने, एनडीए सरकार ने बदला है।